राजा, मंत्री, सेना और प्रजा के पुरुष आपस में कैसा व्यवहार करें, यह विषय इस मंत्र में कहा है। अर्थीता इत्यस्य वरुणः ऋषिः अपां पतिर्देवता पूर्वस्याभिकृतिश्छन्दः ऋषभः स्वरः देहीत्यस्य निचरज्जगति छन्दः निषादः स्वरः। ॐ अर्थितस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमि दत्ता स्वाहा। अर्थितस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमामुष्मै दत्ता। ओजस्वतीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमि दत्ता स्वाहा। ओजस्वतीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमामुष्मै दत्ता। आपः परिवहिणीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमि दत्ता स्वाहा। आपा परिवाहिणीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमामुष्मै दत्ता। अपां पतिरसी राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। अपां पतिरसी राष्ट्रदा राष्ट्रमामुष्मै देयपां गर्भोसी राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। अपां गर्भोसी राष्ट्रदा राष्ट्रमामुष्मै देहि। जो राज्य के अधिकारी राज पुरुष हैं और जो उनकी स्त्रियां हैं, राजा या रानी, राज पुरुष या उनकी स्त्रियां, उन सबको चाहिए कि कभी भी दूसरे से ईर्ष्या ना करें, क्योंकि उनकी ईर्ष्या से हानि होती है और राज्य भंग हो जाता है। इसलिए सबका कर्तव्य है कि जो योग्य विद्वान व्यक्ति है उसकी उन्नति को ही अपनी उन्नति समझे, उसे राज्य संचालन में उचित स्थान प्रदान करे। सभी मनुष्यों को योग्य है कि जहाँ सत्य नीति का पालन होता है ऐसे राज्य का सेवन करना चाहिए। और जो राज्य के अधिकारी पुरुष और उनकी स्त्रियाँ हैं उनसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार से, एक दूसरे की प्रशंसा से राज्य की उन्नति होती है। राजपुरुषों की स्त्रियां भी विद्या, बल और पराक्रम युक्त हैं, वह राष्ट्र बहुत सुदृढ़ होता है। ऐसे राज्य में राजपुरुषों को चाहिए कि राज्य की उन्नति के लिए ऐसी कन्याओं के साथ विवाह करें जो विद्या, बल और पराक्रम में उनके तुल्य हो, जिससे राज्य के संचालन में पक्षपात ना हो, धर्म से, न्याय से राज्य का संचालन हो। जिस राज्य में ब्रह्मचारी वीर पुरुष राज्य की रक्षा करते हैं, राज्य के जलाशयों को सुरक्षित रखते हैं, से वीर पुरुषों को ही राज्य करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, सभी ऐसे राज्य का संचालन करने वाले राजन के प्रति अपना पूर्ण समर्थन दें। जैसे स्त्रियों के गर्भ की रक्षा होती है, ऐसे ही सेनाओं द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती है। इसलिए राजा, मंत्री, सेना, प्रजा के विद्वान पुरुष, ब्राह्मण आदि आपस में ऐसा व्यवहार करें कि एक दूसरे से ईर्ष्या ना हो, क्योंकि ईर्ष्या होने से राज्य की हानि होती है, राज्य की सत्ता भंग हो जाती है और शत्रुओं की जीत होती है। इसलिए प्रत्येक अवस्था में एक दूसरे की उन्नति में एक दूसरे का सहयोग करें।